वृंदावन में वैष्णव कुंभ मेला शुरू होने से पहले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा कुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने संतों एवं अधिकारियों के साथ मेला की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मेला स्थल पर नवनिर्मित पक्के घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य यमुना की पूजा की। कान्हा की नगरी वृंदावन में वैष्णव कुंभ मेला शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इतना ही नहीं, 16 फरवरी को कुंभ मेला शुरू होने से पूर्व 14 फरवरी को स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ मेला स्थल पर पहुंचेंगे। इसको देखते हुए मेले की तैयारियां समय से पूर्ण करने के लिए न केवल प्रशासन बल्कि शासन स्तर से कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और मंत्री व उच्च अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी श्रृंखला में शुक्रवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने संतों एवं अधिकारियों के साथ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने मेला स्थल पर नवनिर्मित पक्के घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य पतित पावनी यमुना का पूजन करने के साथ ही आचमन भी लिया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कुंभ भव्य व दिव्य, इको फ्रेंडली और सुरक्षित हो, इसके लिए मंडलायुक्त सहित सभी अधिकारियों को निगरानी करने एवं कोताही न बरतने एवं 10 फरवरी तक सभी कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि यमुना में अभी अपेक्षा के अनुरूप जल नहीं है, आवश्यकता के अनुसार जल छोड़े जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए प्रेम कौशिक की रिपोर्ट। ब्रजवासी तो रोज पूजा करें अपना मैया की, तो बस ये वही क्वेरी दूर कर लेना, सब लोग पूछ रहे थे। चलो सर, किस प्रकार की है तैयारियां, कहां तक पहुंची हैं अभी तक की स्थिति? ये तो हमारे सब अखाड़ा परिषद जी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज पूजा करी है यहाँ। हम सब ब्रजवासी अब संतन के संग रहे हैं, सब रोज यमुना मैया की पूजा करें। सब वृंदावन वासिन को, ब्रजवासियों को बड़ा सौभाग्य है कि आज यमुना मैया को सबने यहाँ दर्शन तो रोज करें, पर आज थोड़ा पानी बहुत अच्छा है, जाके हमारे सब लोग बड़ा प्रफुल्लित हैं और कुंभ बहुत अच्छा हो। हम ठाकुर जी से सब प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छा कुंभ हो और जिस मनसा से कुंभ हो रहा है अधिक से अधिक यहाँ लोग आएँ। कोविड की गाइडलाइंस का हम लोग अनुपालन कर रहे हैं, लक्ष्य यही है कि अच्छा कुंभ हो, दिव्य हो, भव्य हो, सुरक्षित हो, इको फ्रेंडली हो, उसके लिए लगातार हम लोग यहाँ विजिट कर रहे हैं। हमारे सब प्रशासन के अधिकारी लगातार यहाँ निगरानी कर रहे हैं। मैंने कमिश्नर को भी कहा है कि वो लगातार यहाँ के सब कामों की निगरानी करें, कहीं कोताही कोई ना हो। एक दर्जन से अधिक आपके यहाँ पे दौरे हो गए हैं, अभी मैं आपको कहता हुआ सुन रहा था कि आप जिलाधिकारी से कह रहे थे कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि लचर डिपार्टमेंट कौन से, उन पर नज़र रखो। दिक्कतें बहुत हैं, डिपार्टमेंट्स तो लचर काफ़ी हैं, लेकिन सब लोग बहुत सक्रिय भी हुए हैं। जो लोग सक्रिय नहीं है कई डिपार्टमेंट्स में, उनको चिन्हित भी किया गया है। यहाँ के अलावा भी आप मेरे साथ थे, मथुरा में भी दौरे में कर रहा हूँ, तो वहाँ भी कई जगह शिकायतें मिली हैं। तो मैंने डीएम को कहा है कि जो ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, जिससे कि काम तेज गति से चले। प्रशासन की अपनी डेडलाइन होगी, लेकिन आपने 10 तारीख की डेडलाइन दी है कि आप लखनऊ से चल के सीधे यहाँ आएंगे, 14 से शुरू होगा, उससे पहले ही एक रिहर्सल करना चाहते हैं? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री 14 को आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि 10 तारीख तक लगभग हमारे सब काम पूरे हो जाएं, तो उसके लिए एक मेरा विजिट रहेगा। यमुना में जल की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, क्या वास्तव में? निश्चित रूप से मेरी भी बहुत अपेक्षा है, आज जिस तरह अपेक्षा थी मेरी उससे उतना जल आज यमुना जी में नहीं है। तो मैंने आदेशित किया है, कमिश्नर को भी कहा है और डीएम को भी कहा है कि जो अपेक्षा है उतना पानी यहाँ पहुँचे। लगातार संवाद आपका संतों से भी हो रहा है, संत संतुष्ट हैं? सबसे हो रहा है, सब ब्रजवासियों से मेरा लगातार संवाद है। विद्युत विभाग की तैयारियाँ, नो ट्रिपिंग? अब वो आज शाम को नगरायुक्त ने कहा है कि सब लाइट आज ऑन हो जाएंगी।